बिहार विधानसभा चुनाव जारी है, 71 सीटों पर मतदान भी हो चुका है। अब ऐसे में पूरे प्रदेश के लोगों के पास हर गली मोहल्ले नुक्कड़ या फिर किसी चाय की दुकान पर बात करने के लिए सिर्फ एक ही मुद्दा है। मुद्दा ये कि किसकी सरकार बनेगी, कौन होगा नया विधायक और किसके वादों में दम है। तो इन सभी सवालों पर विराम लगाने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे समाज सेवक सह पॉलिटिकल एनालिस्ट संतोष दुबे जी, और वो बताएंगे कि भागलपुर में किसकी लहर तेज है, कौन से नेता जनता को लॉलीपॉप दिखाकर ठग लेंगे और कौन से नेता काम करेंगे। मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए मिलते हैं और बात करते हैं कि आखिर भागलपुर में कौन से मुद्दे कौन से नेताओं पर भारी पड़ेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं संतोष दुबे जी, जो बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव में क्या क्या दांव पे चुनावी पार्टियां खेल रही है और किनका दांव पे सफल होगा। सबसे पहले संतोष जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और चूंकि आप चूंकि आप राजनीति से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, बड़ा लोकसभा चुनाव आपने अपने भाई के लिए वहां जनसंपर्क अभियान किया और लगातार 3 बार आपने वहां जीत हासिल की, और वो जो भी निर्णय आया जहां भी गोड्डा लोकसभा चुनाव में जो 3 बार लगातार आपने जीत हासिल की वो कहीं ना कहीं आपके जनसंपर्क अभियान की देन है। हमारे क्षेत्र में पूरे भागलपुर सुल्तानगंज जिले में तो अगल बगल आसपास के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आपके नाम का जोर है। कहा जाता है कि जो भी इंसान पॉलिटिक्स में अपना हाथ आजमाना चाहता है उनको आपसे गुरु ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। तो संतोष जी, चूंकि कल चुनाव हुआ, वोटिंग हुई कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा में, दोनों जगह बहुत कांटे की टक्कर रही। कहलगांव से शुभानंद मुकेश और पवन यादव जी आमने सामने थे। शुभानंद मुकेश जी के पिताजी पिछले 9 रीजन से लगातार विधायक है, तो उनकी भी पकड़ पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छी है। और पवन यादव जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो मुनासिब है, भारतीय जनता पार्टी का डंका पूरे भारत में बज रहा है। आप कल के वोटिंग पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कल की वोटिंग किसके पक्ष में हुई है? कल की वोटिंग देखिए, आपको विधानसभा वाइज जाना होगा, इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक विधानसभा में अलग अलग लोग लड़ रहे हैं चुनाव और अलग अलग समीकरण पे लड़ रहे हैं। कहलगांव जो है, ये सदानंद बाबू वहाँ के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 9 टर्म वो विधायक रहे, उसके बाद वो विधानसभा के स्पीकर रहे, मंत्री रहे। कहलगांव में उनकी पकड़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता जी। वो सबसे जुड़े हुए हैं, सब बातें ठीक थी। इस बार उनके लड़के ने हाथ आजमाया है, लेकिन एक मुद्दा कहलगांव में बन गया जहां तक मुझे लगता है, एक वंशवाद का, और वंशवाद के विरोध में बहुत ज्यादा लोग हैं और भारत की मानसिकता धीरे धीरे ऐसी बन रही है, ये लोग वंशवाद अब पसंद नहीं कर रहे हैं, इसको मानिए अथवा नहीं मानिए। राष्ट्रीय स्तर पर भी जो भी लोग यानी कि वंशवाद की तरफ जा रहे हैं तो उनका वोट जो है गिरता ही गिरता है। लेकिन चूंकि सदानंद बाबू कहलगांव के हैं और उनकी पकड़ अच्छी रही है, 50 साल से लगभग वो राजनीति में हैं, तो मेरे हिसाब से टक्कर कांटे की होगी। लेकिन पवन यादव को इस बार एज है और मुझे लगता है कि वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। बहुत दिनों के बाद ऐसा होगा कि, और शायद पहली बार कि कहलगांव में हो सकता है कि कमल खिले। अच्छा, कमल खिले। सुल्तानगंज में भी कल वोटिंग हुई और जदयू से ललित नारायण मंडल और कांग्रेस से ललन यादव ने चुनाव लड़ा। इन दोनों के बीच में भी काफी गजब का लड़ाई है और काफी मतलब करीबी लड़ाई चल रही है कि दोनों में से कोई भी जीत हासिल कर सकते हैं। आप सुल्तानगंज के वोटिंग पर भी कुछ अपनी राय दें। हाँ, तो सुल्तानगंज परंपरागत सीट रही है जदयू की, और वहां से इस बार जो वर्तमान विधायक थे सुबोध राय जी को टिकट नहीं दिया गया था, उनकी जगह पे एक पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति को, ललित प्रसाद मंडल को, वहां से जो कि प्रोफेसर हैं शायद, उनको टिकट दिया गया था। जातिगत समीकरण के आधार पे मैं कह सकता हूँ कि वहां भी ललित बाबू की अच्छी स्थिति रहेगी,
लेकिन टक्कर वहां कांटे की है। और थोड़ा समीकरण क्या हुआ, ये मुंगेर वाली घटना ने 1-2% इधर से उधर जरूर कर दिया है मतदाताओं का, यानी कि वोटिंग पैटर्न जो है वो मुंगेर की घटना की वो तत्कालिक परिणाम भी देता है, कोई भी घटना जो है तत्कालिक परिणाम भी देता है, तो कहीं वो परिणाम में तब्दील नहीं हो जाए इसकी आशंका है। और समीकरण के आधार पे कहा जा सकता है कि प्रोफेसर ललित मंडल चुनाव जीत सकते हैं। संतोष जी एक बात और जानना चाहूंगा, बिहार में जो चुनाव होती आई है वर्षों से कहीं ना कहीं जातीय समीकरण पर चुनाव होता है और कैंडिडेट जीत भी हासिल करते हैं सिर्फ और सिर्फ जाति का मुद्दा उठाकर, और इस बार विकास का मुद्दा रहा है। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि पहली मंत्रिमंडल के बैठक में वो 10 लाख युवाओं को बताएंगे, तो क्या लगता है इस बार चुनाव जाति के मुद्दे पर से थोड़ा फिसल गया है? नहीं, जाति एक सच्चाई है, चाहे कहीं की भी राजनीति हो, बिहार में थोड़ा दिखता है इसलिए लोग बोलते हैं, लेकिन हर एक जगह कोई भी राजनीतिक दल जो है टिकट का आधार जो बनाती है उसमें जातिगत समीकरण का एक अपना योगदान होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब रही जो वर्तमान में चुनाव हो रहा है, जातिगत समीकरण राजद तो अपने मुस्लिम यादव के साथ है ही है, और एनडीए में भी जो नीतीश जी का अपना वोट बैंक है, भारतीय जनता पार्टी का भी अपना वोट बैंक है, और जो जाति के आधार पे ही बनती है। अब लोग लाख बोले कि जाति के आधार पे नहीं हो रहा है वोट, जाति के आधार पे वोट नहीं हो रहा, लेकिन जाति एक सच्चाई है, इसको मान लेना चाहिए, और उसी के आधार पे अंततः जो मास वोट होता है वो जाति के आधार पे ही करता है, कौन हमारा नेता हो रहा नहीं हो रहा है। लेकिन इस बार 2-4 मुद्दे हैं जो छाए हुए हैं, और वो है जो विपक्ष के लोग हैं खास करके राजद के लोग रोजगार से इसको जोड़ रहे हैं, रोजगार से लोग जुड़ते भी हैं ये भी सत्य है, लेकिन उसका भी काट नीतीश जी ने निकाला है और भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है। तो अंततः मुझे लगता है कि चुनाव जब भी होगा तो जातिगत समीकरण के आधार पर ही होगा, इससे फिलहाल इस चुनाव में तो इनकार नहीं किया जा सकता, आगे क्या होगा ये मैं मतलब जाति समीकरण कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में अभी भी अपना स्थान कायम किए हुए हैं। सबसे दिलचस्प जो इस बार चुनाव रहेगा हमारे पीरपैंती विधानसभा चुनाव का, पीरपैंती विधानसभा में इंजीनियर ललन कुमार और रामविलास पासवान जी और अमन कुमार जी, ये तीनों के इन तीनों के बीच कांटे की टक्कर है, चूंकि इंजीनियर ललन कुमार बीजेपी से हैं, रामविलास पासवान आरजेडी से हैं, पर अमन जी पिछले बार पूर्व विधायक रहे हैं और वो निर्दलीय से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है इस बार उनका निर्दलीय से चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं पार्टी को ठेस पहुंचा सकती है या फिर कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ सकता है उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण? संयोग से पीरपैंती विधानसभा मेरा घर भी है, जहाँ मेरे माँ बाप अभी भी रहते हैं, मैं भी जाते आते रहता हूँ, और वहाँ आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा बातचीत होती है, हमेशा संपर्क में रहते हैं। पीरपैंती में मैं जो एक अभी तक आज जो 29 तारीख को मैं बात कर रहा हूँ, एक सहानुभूति तो अमन के साथ जरूर है, जनता की, आम जनता की सहानुभूति है, और जब जनता की सहानुभूति पैदा होती है तो उसके काट के लिए अब एनडीए क्या कर रही है, आरजेडी क्या कर रही है ये मुझे पता नहीं, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ लोगों से बातचीत हो रही है, अमन बहुत आगे है, और मुझे लगता है कि जिसकी भी टक्कर होगी वहाँ अमन से ही होगी। अमन एक फैक्टर है और इसको मान लेना चाहिए, जितना जल्दी जो लोग मानेंगे उतना अच्छा करेंगे। अमन वहाँ एक मतलब कह सकते हैं कि टक्कर में भी है और बहुत अच्छा उसका चुनाव प्रचार भी चल रहा है, और जब जनता की सहानुभूति होती है तो उसको रोकना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब एनडीए भी और आर निर्दलीय एनडीए और आरजेडी, एनडीए और आरजेडी दोनों कोशिश तो जरूर कर रहे हैं कि जो अमन की तरफ लोग जा रहे हैं उसको कैसे तोड़ें, कैसे अपने साथ लाएं, कैसे मनाएं। कहीं ना कहीं निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए भी अमन जी पार्टी के उम्मीदवारों पर भारी पड़ेंगे। पड़ रहे हैं अभी 29 तारीख तक तो पड़, आगे की मैं बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन दोनों कैंडिडेट और दोनों राजनीतिक दल के जो भी
नीतिकार है उनसे ऑन द रिकॉर्ड अगर बात करेंगे तो वो लोग जरूर बोलेंगे कि जिसकी भी आज वो अमन मेरे को लगता है कि अच्छी स्थिति में है, हो सकता है वो चुनाव जीत जाए क्योंकि वो पूर्व विधायक भी रहे हैं और अपने कार्यकाल में उन्होंने कुछ तो कार्य किया होगा जिसको लेकर जनता उनकी तरफ ज्यादा ये है क्या अमन ये एक युवा था मुश्किल से 28-29 साल की उम्र में वो विधायक 2010 में बन गया था जी। तो युवा होने का एक फायदा ये होता है कि ये हर एक गांव में घर में चाहे सत्यनारायण भगवान का पूजा भी हुआ हो तो वो वहां गया है, कहीं सप्ताह भागवत हुआ तो वहां भी, और 5 साल तक लगातार लोगों के संपर्क में रहा। उसके बाद इसको 2015 में टिकट नहीं दिया गया तो इस आस में था कि 2020 में मुझे टिकट मिलेगा, तो 5 साल और उसने मेहनत की है तो अपने लोगों को उसने बनाया है, जनता में उसकी छवि है, तो उस छवि के आधार पे जब इस बार टिकट नहीं मिला तो जनता मायूस है। बात यह है कि वहां आप पोल भी देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि परसेंटेज उतना ज्यादा रहेगा, निराशा तो है इतना ज्यादा निराशा मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ लेकिन और अन्य के साथ जो भी लोग हैं तो वो एनडीए कार्यकर्ता है, एनडीए के ही कार्यकर्ता रहे थे और अमन ने एक बहुत अच्छा काम किया था, एक जब पिछली बार अजय मंडल को टिकट मिला था जदयू की तरफ से तो पूरे विधानसभा का पीरपैंती विधानसभा का प्रभारी अमन ही था, उसने अपने नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव वहां लड़वाया था और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि जदयू भाजपा को उतना ज्यादा वोट आया था आज तक के इतिहास में, चाहे पहले जैसे सुशील जी भी चुनाव लड़े हैं, शाहनवाज जी भी चुनाव लड़े हैं, पीरपैंती से किसी को भी 57,000 की लीड आज तक एनडीए से ही मिली थी, लेकिन पिछले चुनाव में 2019 में अजय मंडल को वहां से लगभग 57,000 की लीड मिली थी, तो सारे पॉलिटिकल पंडित चकरा गए थे, तो उसमें अमन ने बहुत मेहनत की थी, तो वहां एक सिंपैथी उन जातियों में भी जो है कि जो पिछड़े समाज से आते हैं, वंचित समाज से आते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अमन वहां लड़ा और लड़ के मतलब सांसद बनवाने में उसकी प्रमुख भूमिका रही, तो वहां के लोगों में है वो, इस चीज का इसका भी फायदा उसको मिलेगा। अभी आपने तुरंत कहा कि जाति को टाला नहीं जा सकता है और बिहार की राजनीति में जाति का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तो पीरपैंती विधानसभा से इस बार जो तीनों प्रत्याशी हैं, जिन तीनों के बीच कांटे की टक्कर कही जा रही है, वो तीनों कहीं ना कहीं छोटे वर्ग से आ रहे हैं और यहाँ कहीं ना कहीं बंटवारा हो सकता है मतों का। नहीं देखिए क्या है, पीरपैंती सुरक्षित क्षेत्र है तो वहां जो भी विधायक बनेगा तो वो जाहिर सी बात है कि वो आरक्षित है तो उसी वर्ग के लोग ही बनेंगे और जाति का समीकरण जो होता है वही बोला मैंने कि एक जब अजय मंडल जी के लिए इतना ज्यादा मेहनत किया अमन ने, 57,000 की लीड आई तो उस जाति में भी तो एक समझ है ना कि ये किसके लिए लड़ा और कैसे इसने चुनाव जितवाया और कितनी इसने मेहनत की, उस मेहनत का भी वो कह सकते हैं कि मजदूरी मांगने गया है, मजदूरी मांग रहा है वो हर एक जगह जाके, और एक वर्ग ऐसा भी था कि जो अजय मंडल को चुनाव हरवाना चाहते थे, तो अच्छा। वो वर्ग अगर वोटर के पास जाता है तो जनता का रिएक्शन कुछ अलग होता है, तो इसलिए मैंने बोला कि धीरे धीरे वो जनता का उम्मीदवार बनते जा रहा है, अगर एनडीए और राजद अमन के प्रचार प्रसार को या उसके आदमी को तोड़ने में नाकामयाब रहती है तो फिर परिणाम कुछ भी होता। अच्छा, तो कहीं ना कहीं अभी जो पीरपैंती में कैंडिडेट है वहां सबसे मजबूती से अमन ही दावेदारी पेश कर रहे हैं। हाँ, अमन के साथ वही बोला कि एक तो 10 साल में उसने कार्यकर्ताओं के साथ उसका जो संपर्क रहा, उसके दुख सुख में खड़ा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसको इसका फल मिलेगा ही मिलेगा, और जो भी कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हैं या राजद के साथ भी हैं तो उनसे अगर ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे तो वो जरूर ये बात को बोलेंगे, स्वीकारते हैं कि अमन के साथ गलत, अच्छा अमन के साथ अन्याय हुआ है, ये इस चीज को जरूर मानते हैं, कोई उसको गाली नहीं दे, अच्छा पार्टी को गलत काम किया उसको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए ये कोई नहीं बोलेगा।
अच्छा, जब अमन जी का पिछला कार्यकाल भी अच्छा रहा, उन्होंने जनता के बीच जनसंपर्क भी बहुत सही तरीके से साधा, तो फिर पार्टी से उनको टिकट नहीं मिलना, ये क्यों? अब ये तो पार्टी की बात है, पार्टी जाने, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। पॉलिटिकल व्यू, यही प्रश्न जब बड़े नेता जा रहे हैं वहाँ, तो ये प्रश्न वहाँ पूछा जा रहा है कि अमन ने आखिर ऐसा क्या कर दिया था जी? अमन रेपिस्ट था कि अमन ने भ्रष्टाचार किया, या अमन ने किसी को गाली गलौज किया, क्या अमन ने पार्टी के लिए काम नहीं किया? मैं तो बता ही रहा हूँ कि 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था, वो लोकसभा चुनाव में अपने विधानसभा का वो प्रभारी था और 57,000 के लिए पार्टी के लिए वो सारा काम कर रहा था, फिर उसको टिकट क्यों नहीं मिला? तो ये बड़े नेता जो भी जा रहे हैं उनसे ये पूछा जा रहा है, और अभी तक मैंने कोई ऐसा जवाब देखा नहीं कि अमन भ्रष्टाचारी था इसलिए टिकट नहीं दिया गया, या अमन ने कोई गलत काम किया इसलिए टिकट नहीं दिया गया। ये कोई भी नेता भी बोलने के लिए तैयार नहीं, ये नेता भी नहीं बता पा रहे हैं कि उसका टिकट क्यों कटा। अच्छा, 2015 में भी क्यों कटा और 2019 में भी 20 में भी क्यों कटा, ये कोई नहीं बता पा रहे हैं। और यही होता है जब निरुत्तर हो जाता है कोई भी आदमी, जब बड़े नेता निरुत्तर हो जाते हैं किसी प्रश्न पे, तो जनता के सहानुभूति और बढ़ जाती है। मैंने अभी हाल का एक निर्दलीय का चुनाव देखा था, वो चुनाव जमशेदपुर का, जहाँ एक मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे। तो अब लोग कहते हैं कि उनकी वजह से या जैसे भी हो, जमशेदपुर और पूर्वी और पश्चिमी दो विधानसभा है, तो एक से रघुवर जी विधायक होते थे, एक से और एक विधानसभा से सरयू राय जी। सरयू राय जी को टिकट नहीं दिया गया, सरयू राय जी मुख्यमंत्री के खिलाफ निर्दलीय लड़ गए, और ऐसी सहानुभूति आई कि वो चुनाव जीत, मंत्री चुनाव हार गए। तो निर्दलीय की अगर जनता में सिंपैथी है, जनता ने अगर मान लिया कि के साथ गलत हुआ है, तो फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। वहां भी ये प्रश्न पूछा जाता था जितने भी बड़े नेता गए कि आखिर राय साहब का आपने टिकट क्यों काटा, सही बात, क्या किया था उन्होंने? तो यानी कि एक तरह से समझिए कि वो सोशल क्रुसेडर हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। दो मुख्यमंत्री को जेल भेजने में उनकी प्रमुख भूमिका रही थी, तो आखिर टिकट क्यों काटा? तो इसके कोई भी नेता, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे सिर्फ का हो, ये जवाब नहीं दे पाते थे। तो जब जनता को जवाब आप नहीं दे पाइएगा, जनता को संतुष्ट नहीं कर पाइएगा, तो जनता फिर अपना रुख दिखा देती है किधर जाना है। हाँ। वही बात यहाँ की है कि अमन के लिए भी ये प्रश्न तो पूछा ही जा रहा है, कार्यकर्ता भी पूछ रहे हैं, लोग भी पूछ रहे हैं, मैं भी वहां का मतदाता हूँ, मेरे मन में भी ये प्रश्न है कि आखिर एक चीज बता दीजिए कि अमन का टिकट क्यों कटा जी? एक पॉलिटिकल व्यू क्या है आपका, आप इस पर क्या कहें? मतलब एक मत कुछ तो होगा कि ये कारण हो सकता है या फिर ये कारण, कुछ एक पॉलिटिकल व्यू होना चाहिए, तो उस पर ये कारण सिर्फ और सिर्फ पार्टी का नेतृत्व ही बता सकता है। और मैं कहता हूँ कि एनडीए की वहाँ बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है अगर पार्टी के लोग जाके वहाँ बोलेंगे इस बात को कि मैंने इस वजह से अमन को टिकट नहीं दिया, 2015 में इस वजह से नहीं दिया, 2020 में इस वजह से नहीं दिया, तो एनडीए की स्थिति हो सकती है ठीक हो जाए, कार्यकर्ता भी संतुष्ट हो जाएंगे। आज जो कार्यकर्ता क्या है वो तो मैं देख रहा हूँ, दो चार कार्यकर्ता को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, एक भाई जो है अमन के साथ है, एक भाई ललन के साथ है, तो ऐसी स्थिति हो गई है, तो अब घर में ही लड़ाई हो जाती है लोगों की। तो इस चीज के लिए अभी भी वक्त है, क्योंकि दो दिन और प्रचार का है, तो दो दिन के अंदर उनको क्लियर कर देना चाहिए पार्टी को कि इस वजह से मैंने नहीं दिया। और दूसरी बात ये रही कि 2015 में वो बागी नहीं बना था, 2015 में जब दूसरे को टिकट दिया तो पार्टी के साथ था जी, लेकिन 5 साल तक फिर कुछ किया नहीं, सरकार भी रही ना, उसको प्रदेश में कहीं जगह दिया ना उसको जिला में कोई जगह दिया, जबकि एक 28-30 साल का नौजवान जो कि दलित बिरादरी से आता है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढो रहा था और बहुत आगे जाता, पढ़ा लिखा लड़का है, आगे जाता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, सारे लोग बोलते हैं ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सबको आगे बढ़ाती, तो उसको आगे बढ़ाने में क्या हुआ? और जो एनडीए के कैंडिडेट हैं वो राजद से आए हुए,
उनका 2014 के पहले का जो मानसिकता देखिएगा, उनका फेसबुक पोस्ट वगैरह देखिएगा, तो वो आरएसएस पे बरसते हुए नजर आए हैं, आरएसएस को गाली दी है, भारतीय जनता पार्टी को गाली दी है, लालू जी की आदर्शवादी थे। तो अब वैसे लोग को यानी कि पार्टी टिकट लेके, वही तो क्या मजबूरी है जो ऐसे लोग, अगर अमन को टिकट नहीं भी देते तो बहुत ऐसे कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी में, किसी कार्यकर्ता को आप देते, लेकिन वो भी नहीं हो पाए। तो पार्टी ने ऐसी बात है कुछ सोचा होगा तभी चुनाव लड़ाया है, 2015 में भी कुछ सोचा होगा तभी चुनाव लड़ाया होगा, और परिणाम क्या हुआ देखा ही आपने, पीरपैंती जो कि मैंने की जीती हुई सीट थी वो हार गए। पीरपैंती में जहां तक बात रही कि निर्दलीय होते हुए भी अमन मजबूत उम्मीदवार, और कहीं ना कहीं जनता उनके पक्ष में है क्योंकि उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा, और जब वो सत्ता में नहीं थे, मतलब जब विधायक कुर्सी उनके पास नहीं थी, तो भी उन्होंने जनता के बीच सही कार्य किया, जनसंपर्क अभियान करते रहे और जनता के बीच रहे। अब मैं आता हूँ सबसे मुख्य टॉपिक पर, सबसे मुख्य विषय पर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ज्यादा उथल पुथल है और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है वो अपना हर हथकंडा अपना रही है। मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर की, भागलपुर नगर विधायक की जो सीट है, नगर विधायक के उम्मीदवार, आपको इस जगह पर भागलपुर में किसका मजबूती से पक्ष, मतलब किसका पक्ष ज्यादा मजबूत है, और कौन से प्रत्याशी अभी जनता के बीच विश्वास बनाए हुए? देखिए भागलपुर परंपरागत तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ काफी मजबूत स्थिति में हमेशा रहा है, क्योंकि वहाँ आरएसएस ने बहुत ज्यादा काम किया है, जनसंघ के जमाने से ही बहुत अच्छा काम हुआ है। आरएसएस वहाँ आपको प्राय हर एक घर में मिल जाएंगे, आरएसएस के सदस्य या आरएसएस से जुड़े हुए लोग मिल जाएंगे। 2014 में जो हुआ नभे बाबू के टिकट के बाद फिर अरिजीत जी चुनाव लड़े, ये दो तीन बार से ऐसा देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है और कांग्रेस से चुनाव जीत। पिछली बार हार का कारण जैसे मैंने कहलगांव में बताया था, तो वहां भी एक मुद्दा थोड़ा सा बन गया था, एक वंशवाद वाला बन गया था, जबकि ऐसा था नहीं, अरिजीत एक अच्छे कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता को ही टिकट मिला था, लेकिन एक वर्ग में ऐसा लगा था, कार्यकर्ताओं के वर्ग में ऐसा जरूर लगा था कि टिकट जो है एक वंश के व्यक्ति को दिया गया है या किसी परिवार के व्यक्ति को दिया गया है, थोपा गया है। तो उसी में से वो पूर्व नगर अध्यक्ष थे विजय शाह जी चुनाव लड़ गए, और उस समय संघ का भी एक वर्ग था जो कि विजय शाह जी के साथ हो गए, अब वो जीवित नहीं रहे, मुझे याद है वो चुनाव, उस चुनाव में एक डॉक्टर लक्ष्मीकांत सहाय जी भी होते थे जो संघ के बहुत समर्पित कार्यकर्ता थे, जिनका भागलपुर में एक भी था। तो डॉक्टर सहाय जैसे व्यक्ति को मैंने देखा था कि रोड पे आ गए थे वंशवाद के विरोध में, परिवारवाद के विरोध में, और विजय शाह जी ने 15-16 हजार जो है जो वोट काट लिया और अरिजीत जी चुनाव हार गए। उसके बाद जब ऐसा तो पार्टी ने विचार किया, पार्टी में तो मंथन होना ही चाहिए, हर एक पार्टी करती है, तो पार्टी में मंथन पे ये विचार किया गया और एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है इस बार। यहाँ आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये वंशवाद की उपज है, ये परिवारवाद की उपज है। रोहित पांडे एक शांत स्वभाव के कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जिसकी जिंदगी की शुरुआत विद्यार्थी परिषद से भी, फिर युवा मोर्चा में रहे, फिर दो टर्म से वो भागलपुर के जिला अध्यक्ष हैं, दिन रात मेहनत करते रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता को टिकट दे दिया, और टिकट इस भरोसे दिया कि कार्यकर्ता के बीच का है तो कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, और कार्यकर्ता चुनाव भी लड़ रहा है। आप लोगों को जो भी लोग हैं वो तामझाम नहीं देखते होंगे कि ये पैसे वाला व्यक्ति है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी का एक खास राय बहुत ज्यादा पैसे वैसे खर्च करती नहीं है, और जब कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है तो ये तामझाम जो है सेकेंडरी हो जाता है, वो अपना काम करता है, डोर टू डोर कैंपेन करता है, मिलता है, करता है। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, मुझे लगता है कि रोहित पांडे चुनाव जीतेंगे। रोहित पांडे चुनाव जीतेंगे, क्या मतलब पॉजिटिविटी रोहित पांडे की, क्या एडवांटेज क्या है जिस वजह से वो
अभी इस बार पहला बार है वो विधायक का चुनाव, वो पहली टर्म लड़ रहे हैं, तो उनका क्या एडवांटेज है? क्योंकि जो युवा वर्ग है भागलपुर में, जो जिला के शहरी क्षेत्र के युवा वर्ग है, वो मेरा जहां तक आकलन है कि कहीं ना कहीं बढ़ चुके हैं और राजेश वर्मा की तरफ जो है झुकाव युवा वर्गों का ज्यादा है। जैसा मैंने अभी मैं चुनावी रैली वगैरह या फिर जनसंपर्क अभियान कवर कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि युवाओं की भीड़ राजेश वर्मा के साथ ज्यादा है, और इस चीज को लेकर प्रत्याशियों में एक अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आती है कि हमारे साथ यदि युवा है, क्योंकि युवा वर्ग ही है जो बूढ़ों को या फिर महिलाओं को जागरूक करते हैं मत देने के, तो युवा वर्ग अगर आपके साथ ज्यादा है, सोचा जाता है कि आपके पक्ष में रिजल्ट आ सकते हैं। बहुत सही प्रश्न है। आप युवा वर्ग बोल रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए, सबकी जानकारी के लिए, रोहित बूढ़ा नहीं है, रोहित भी युवा है, 37-38 साल का लड़का है वो भी, युवा है। और आकर्षण की अगर बात करेंगे तो आज जो भी लोग आपको दिख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार अजीत शर्मा जी चुनाव ही लड़े, मतलब बोले ना कि एक विजय शाह जी खड़े हो गए तो उस समय उनका गेम सक्सेस हो गया कि वो 14-15 हजार वोट काट लिया। तो ये जो भी लोग खड़े हुए हैं वहां, जब भी लड़ाई होगी, सीधी लड़ाई होगी, तो कांग्रेस ने एक दूसरा रूट ले लिया, पिछली बार उनको सफलता मिली तो उसी को रिपीट करते हुए उसने अपनी बी टीम खड़ा की है और एक दो प्रत्याशी ऐसे खड़ा कर दिए हैं जैसे लगेगा वो वोट काटेगा, लेकिन जनता समझदार हो गई। भागलपुर की जनता प्रबुद्ध जनता कहलाती है और प्रबुद्ध जनता कभी भी अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी। और ये जो कांग्रेस की बी टीम, जो हो सकता है कि कांग्रेस ने स्पॉन्सर किया, ठीक है ना, जो कांग्रेस के स्पॉन्सरशिप में चुनाव लड़ रहे हैं, आप देखिएगा परिणाम 10 तारीख को आएगा, कोई कहीं नहीं रहेगा, क्योंकि ये गेम अब हो गया क्या है, बार बार अगर आप एक ही तरह का शॉट खेलिएगा तो बॉलर भी गेंद चेंज कर देता है। तो जैसे यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बॉलर चेंज कर दिया, आपने वंशवाद को एक मुद्दा बनाया था, उस मुद्दे को हटा दिया, उसने एकदम हार्ड कोर एक कार्यकर्ता को टिकट दे दिया। तो जब हार्ड कोर कार्यकर्ता को टिकट दे दिया, कार्यकर्ता जब चुनाव लड़ता है तो वो देखने लायक होता है। और भारतीय जनता पार्टी जो इतना आगे बढ़ी वो कार्यकर्ता के भरोसे ही बढ़ी है। सारे लोग कार्यकर्ता से, जितने बड़े बड़े लोग आज देख रहे हैं, मैंने तो नितिन गडकरी जी को जब पहली बार वो अध्यक्ष बने थे तो मैंने सुनते उनके आंखों में आंसू थे, बोल रहे थे मैं तो दरी बिछाता था, मैं अध्यक्ष हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया। वेंकैया जी को भी वैसे ही देखा था, सारे लोग तो उसी तरह से हैं। ये यानी कि बूथ के अध्यक्ष रहे थे अमित शाह जी, तो लोगों को ये पता नहीं चलता है, लेकिन रोहित जी का प्रचार प्रसार जो चल रहा है वो डोर टू डोर चल रहा है, सारे लोगों से मिल रहे हैं। हाँ, वो शोर शराबा हू हा ये सब नहीं कर रहे हैं, और वो करते भी उनके नेचर में भी नहीं है, वो जिंदगी में करेंगे भी नहीं, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, वो करेंगे भी नहीं। लेकिन अजीत शर्मा जी का हमेशा ये एक ही तरह का जो वो बॉल फेंक रहे हैं, तो इस बार वो बॉल दो बॉल होगी मेरे को लगता और ये कांग्रेस की जो बी टीम है उनको जीत नहीं दिला पाएगी। वहां जो भी टक्कर है, अजीत शर्मा वर्सेस रोहित शर्मा है, इसके रोहित पांडे है, इसके अलावा वहां कुछ है ही नहीं। मतदाता भी जानते हैं, मतदाता को अगर भाजपा को हराना होगा तो डायरेक्ट कांग्रेस को वोट देगा, वो थोड़े किसी प्लेटफॉर्म की तरफ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल लीग से हटके थोड़ा मैं पूछ रहा हूँ। अमरपुर से चुनाव लड़ रहे हैं मृणाल शेखर, और मृणाल शेखर पहले भाजपा के थे और उन्होंने पार्टी छोड़कर अब दूसरे पार्टी का दामन थामा है और अमरपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनका रिजल्ट रहेगा, किस स्तर पर है वो, कितने पानी में है, कैसा जनसंपर्क अभियान उनका चल रहा है? नहीं, मृणाल शेखर के बारे में एक चीज बता दूं, वो भी जैसे रोहित कार्यकर्ता है उसी ढंग से, उस लड़के ने भी बहुत मेहनत की, वो भी विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा, युवा मोर्चा, फिर जिला में भी रहा, भारतीय जनता पार्टी के साथ वर्षों से जुड़ा हुआ है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी दिया था, अनफॉर्चुनेटली वो चुनाव हार गए थे, कम मतों से ही हारे थे, और इस बार गठबंधन के तहत वो सीट चली गई जदयू को। तो जदयू को जाने के बाद, लेकिन वही है कि ये सब चूंकि कार्यकर्ता रहे तो 5 साल तक इस व्यक्ति ने अमरपुर में जाके मेहनत की थी, लगातार संपर्क में रहता था, टिकट नहीं मिला तो क्या करेगा, जनता का भी दबाव होता है, कार्यकर्ता का भी दबाव होता है।
लेकिन उससे ऊपर क्या होता है कि पार्टी आपको क्या बोल रही है, पार्टी की नीति सिद्धांत क्या बोल रही थी। ये पार्टी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने में इस बार मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पा रही। और अगर सफल होती तो पीरपैंती में भी ये स्थिति नहीं होती, अन्य जगहों पर भी ऐसी स्थिति नहीं होती। और अमरपुर का जहां तक मुझे लगता है, देखिए हर एक जगह ओवरऑल मैंने क्या बताया कि समीकरण प्राय हर एक जगह वैसा ही है, जदयू मतलब एनडीए गठबंधन वर्सेस यूपीए गठबंधन। कहीं कहीं दो चार सीटें ऐसी जरूर होंगी कि जहां आपको अन्य दलों के लोग, निर्दलीय लोग, जैसे त्रिपेती में अमन दिख रहे हैं, ठीक है, तो उसी तरह से हो सकता है कि वो भी दिखे, मृणाल शेखर भी दिखे, लेकिन जीत की तरफ है ये मैं नहीं कह सकता। और अमरपुर में संभव नहीं लगता, वहां भी एक जातिगत समीकरण के आधार पे ही वोट होता है। अच्छा, और एक प्रश्न मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आप इस बात पर कितना यकीन रखते हैं कि चुनाव का रिजल्ट पैसे के खर्च होने पर डिपेंड होता है? नहीं, मैं इस चीज को मानता ही नहीं हूँ। पैसे से चुनाव नहीं किया जाता। मैं, मेरा जो भी अनुभव रहा है चुनाव का, पैसे से चुनाव बिल्कुल नहीं जीता जाता है। चुनाव जीती जाती है रणनीति से, जिसकी रणनीति जैसे अजीत शर्मा जी ने एक रणनीति खेली है। आप जैसे पत्रकार, प्रबुद्ध पत्रकार भी बोल रहे हैं कि युवा वर्ग उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, वो वोट काट रहा है, वो एक रणनीति है। रणनीति के तहत वो लोग जान रहे हैं कि फायदा किसको जा रहा है और किस रणनीति के तहत कौन खड़ा हुआ है। उसमें पैसा का योगदान मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा रहता तो सारे पैसे वाले आज एमपी होते, एमएलए होते, विधायक होते, ऐसा नहीं है। बहुत गरीब लोग आज कौन है यार, चाहे अमन, अमन है, ललन है, रामविलास है, तीनों है पीरपैंती में, कौन पैसे वाले लोग, कौन खर्च कर रहा है? मेरे को तो लगता नहीं है और खर्च करना भी नहीं चाहिए। जहाँ पैसे की बात होती है वो दो चार इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन पैसे से चुनाव नहीं जीता जाता। ये बात मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बिहार में कोरोना पैंडेमिक के बाद जो है बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ गई है और कहीं ना कहीं पैसों की किल्लत हो गई है यहाँ के निवासियों को। 46% युवा यहाँ बेरोजगार हैं, तो पैसा मैटर करता है जब बेरोजगारी ज्यादा हो तो। अब ऐसे वक्त में जब इंसान बेरोजगार है, उनके पास कोई काम नहीं है और कहीं से फंडिंग आए, अच्छी फंडिंग आए, मोटे रकम मिले कि 5,000 उम्मतों पर 10,000, तो इस हिसाब में कहीं ना कहीं बरगलाया जा सकता है युवाओं को या फिर मतदाताओं को। मतदाता हो या युवा हो, वो पैसे के कारण किसी को वोट देगा ऐसा नहीं है। देश के बारे में लोग जानते हैं और चुनाव जब भी होता है तो मुद्दे पे लड़ा जाता है। आज क्या है कि युवा जो अभी नए नए जवान हुए, उन्होंने लालू जी के 15 साल का शासन नहीं देखा है। और ये 15 साल का शासन, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और जमीन आसमान का जब अंतर होता है तो आप जानिए कि मतदाता कुछ ना कुछ अपनी राय जरूर रखते हैं। कभी कभी परिवर्तन की भी लहर चल जाती है। परिवर्तन भी तो जनता ही करती है। चुनाव तो इंदिरा जी भी हार गई, राहुल जी भी इधर हार गए, चुनाव तो कोई भी हारता है, अटल जी भी चुनाव हारे थे। लेकिन पैसे के बल पे चुनाव को प्रभावित नहीं किया जा सकता, ये मेरा मानना है। रणनीति, आपके कार्यकर्ता और जनता, ये जो फैक्टर होता है यही मुख्य होता है। और पैसा कितने दिन, कोई भी जो कैंडिडेट होता है वो कितने दिन, ज्यादा ज्यादा चुनाव प्रचार तक उसका घर का खर्च चला सकता है। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। और चुनाव जीतने के बाद वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी नहीं कहा जा सकता है, ऐसा ही होता है। हाँ, एक चीज जरूर होता है कि अब चुनाव, जैसे छोटे छोटे चुनाव, अब जैसे पार्षद लोग चुनाव जीतते हैं, कोई भी पार्षद बिहार में आप हर एक जगह देखिएगा, चूंकि दलीय पार्षद होते नहीं, किसी दल के होते नहीं है। मेयर, डिप्टी मेयर जब बनने लगता है तो नेपाल की सही कर लेते हैं,
अविश्वास प्रस्ताव लगता है तो फिर नेपाल की सैर कर लेते हैं। तो लेकिन ये युवा लोग जो जो मतदाता है, कितने लोगों को कौन सैर करवा सकता है? सही बात है। कितने लोगों को होटल में कितने दिन आप रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना, नहीं रख सकते। तो वो पार्षद तक पैसा कौड़ी ठीक है, इसके अलावा जो है इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। और जनता जो है वो मुद्दों पर वोट देती है, कैंडिडेट पे वोट देती है। वही बोले ना कि रोहित इसलिए मजबूत स्थिति में है कि क्योंकि कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। ये बात मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर जोर नहीं देकर जो हथकंडा अपनाया जा रहा है वो पैसे का हथकंडा अपनाया जा रहा है। भागलपुर के चुनाव में तो ये साफ दिख रही है कि कोई एक बढ़िया मुद्दा नहीं है कैंडिडेट के पास, जिसको जिस कारण से उनको ऐसा लग रहा है कि यदि पैसे खर्च किए जाएं तो वार्ड पार्षद वाले चुनाव के तरह यहाँ भी अपने पक्ष में जीत की जा सकती है। पर मुझे ये पता है कि विकास का मुद्दा सबसे ज्यादा जरूरी है और मुझे ऐसा लगता है कि जनता भी ये जानती है कि जब भी मत करना हो तो विकास के मुद्दे पर ही किया जाना चाहिए। इस बार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने आपके प्रश्न में जवाब है कि जनता जब चुनती है किसी को पार्षद तब वो नेपाल जाते हैं, ठीक है। और जनता जो है ठगा हुआ महसूस करती है अपने आप को, जब अखबार में आता है कि पार्षद जो है रंगरेलियां मना रहे हैं तो जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। बिल्कुल, वीडियो चल रही है। हाँ, वो आता हूँ उससे भी। तो क्या है कि जनता जब ठगा महसूस करती है कि मैंने कैसे व्यक्ति को चुना, ये तो जाके बिक गया और नेपाल में सैर करना शुरू कर दिया। अब आज जो भी आप कहते हैं युवा कार्यकर्ता, तो जनता उसको उसी नजर से देख रही है, ये जा क्यों रहा है उधर? काहे लोग तो वहां जान रहे हैं कि सीधी टक्कर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, और कोई इधर उधर क्यों जा रहा है? तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ इसका लोभ होगा, तो उस लोभ के कारण जाते हैं। ये सब जान रहे हैं और यही होगा परिणाम, भी यही होगा। 10 तारीख को देख लीजिएगा, भागलपुर में सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के साथ, इसके साथ में और बी टीम वाले उस दिन जो है एक्सपोज होंगे जनता के नजर में। रोज वो जाएंगे, होते जाएंगे। अभी चुनाव बढ़ते जा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि ये क्यों इनकी वोट, और सीधा ही अगर किसी को सपोर्ट ही करना तो सीधा वो कांग्रेस को सपोर्ट कर सकती है, सीधा वो बीजेपी को सपोर्ट कर सकती है। यही होता है, लोग समझ रहे हैं, करना चाहिए। ये चुनाव, इस चुनाव में अलग अलग पार्टियों के अलग अलग प्रत्याशियों के जीतने का अलग अलग तंडा है और अलग अलग वादे कर रहे हैं ये जनता से। आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा इस बार सभी मुद्दों पर भारी पड़ेगा और वो जनता उसी मुद्दे को देखकर वोट देगी? जैसे कि तेजस्वी यादव ने कहा कि जब पहली मंत्रिमंडल की बैठक होगी मैं 10 लाख युवाओं को रोजगार दूं, ऐसे ही अलग अलग पार्टियों के अलग अलग मुद्दे हैं, कौन सा मुद्दा सब पर भारी पड़ेगा? सबसे बड़ा मुद्दा होता है देखिए किसी भी राज्य का स्थिरता, स्थिर सरकार आ रही है कि नहीं। केंद्र में अभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, यहाँ भी है, तो ये लोग भी जानते हैं कि अगर दोनों जगह एक जैसी सरकार रही तो विकास होगा, विकास होगा, विकास होगा। और सरकार जब बदलती है तो क्या होता है कि वो अपना काम तो नहीं कर पाते हैं, वो केंद्र जो है राज्य पे, राज्य जो है केंद्र पे थोपते रहता है कि उसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। और बिहार में विकास के लिए स्थिरता तो जरूरी है, और स्थिरता के लिए मुझे लगता है कि एनडीए ठीक ठाक स्थिति में रहेगी। और खास अगल बगल के जो भी एरिया में मैं देख रहा हूँ कि अंततः आप देखेंगे कि एनडीए वर्सेस यूपीए ही होगा। एक दो सीट ऐसी जरूर है कि कहीं निर्दलीय फाइट में आ गए हैं, कहीं एलजेपी के लोग फाइट में आ गए, एक आध सीट ज्यादा नहीं होगा। हाँ, जहाँ कारण है, जैसे तिरुपति में एक कारण है, मैंने पहले भी बताया आपको कि वहाँ नेतृत्व ये कन्विंस नहीं कर पा रहा है अपने कार्यकर्ताओं को, कर पा रहा है कि आखिर टिकट क्यों नहीं दिया, अमन की क्या गलती थी, इस चीज को बता नहीं पा रहे। हाँ, ये बता देंगे जैसा 29 है, कल 30 तारीख को बता देंगे, जनता खुश हो जाएगी, जनता हो सकता है एनडीए की तरफ चली जाए, जो अमन के साथ दिख रही है कल नहीं दिख। तो ये ऐसा बिहार की 243 सीटों में मुश्किल से 5-10 सीटों में इस तरह की बातें होंगी, बाकी जगह सीधी टक्कर है, जहां से भी है सीधी टक्कर है।
तो मतलब भागलपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर होगी और बाकी जो भी प्रत्याशी या जो भी पार्टी हैं जो इस खेल में मैदान में उतर चुके हैं उनका दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं होगा कांग्रेस और भाजपा के साथ। तो जो भी उतरे हैं इन्हीं दो पार्टियों के रणनीति के तहत मैदान में उतरे हैं जी, उनका अपना कोई सेल्फ डिसीजन नहीं है जी। हाँ, इतिहास भी देखिएगा कभी जदयू के नेता के साथ आपको दिख जाएंगे, कभी भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता भी ले लेते हैं, प्रचार भी करना शुरू कर देते हैं, फिर जो है वो लोजपा में चले जाते हैं, फिर कहीं चले जाते हैं। तो ये लोगों का कोई ऐसा वजूद नहीं रह जाता, जनता ये समझती है, इस चीज को समझती है। मैं रहूं आप रहे कहीं भी कोई जाएगा कोई, आप जब तक अपने एक जगह पे स्थिर नहीं रहेंगे, अपने स्टैंड पे कायम नहीं रहेंगे, तब तक जनता आपको और बार बार यदि कोई इंसान अपना पक्ष या फिर अपना पार्टी बदलता जाता है तो फिर जनता का भरोसा कहीं ना कहीं वहां डगमगाने लग जाता है। जनता ये सोचती है जब ये डगमगाया जाए जी, और शुरुआती भीड़ से लेकर आज तक 3 तारीख से ईवीएम तक पहुंचने तक देख लीजिएगा कितने लोग रहते हैं किसके साथ। मैंने बोला ना कि जो युवाओं की बात बोल रहे थे तो ये उनके घर में भी पता है, उनके मोहल्ले में जो भी युवा आ रहे हैं उनके मोहल्ले में पता है कि ये जा क्यों रहा है। अभी 15-20 दिन अच्छे से खाना होगा, चाहे वो कहीं से स्पॉन्सर्ड होगा, कुछ भी होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसके घर का भी वोट मिल जाए तो ये, क्योंकि जनता को यदि अपने पार्टी के साथ इनकी ईमानदारी नहीं है या फिर जो पक्ष ये रख रहे हैं उस पर ये अडिग नहीं है तो कहीं ना कहीं जनता के विकास में वो भागीदारी नहीं बन सकते। कैसे बनिएगा जनता के साथ भागीदारी तभी होगी या विकास तभी होगा जबकि जिस पार्टी की सरकार आने वाली है उस पार्टी का विधायक आपके यहाँ, ठीक है? तो सरकार या तो तेजस्वी जी की बन रही है या नीतीश जी की बन रही है, यही दो ऑप्शन है जी। इस दो ऑप्शन में जनता ने तो तय कर लिया है कि हमको कहाँ जाना है। अब क्या है कि चुनाव की जो रणनीति होती है, तो रणनीति में हो जाता है कि कोई किसी को खड़ा कर देता है, कोई किसी का किसी जाति में अगर पकड़ है बोलता है ये खड़ा हो जाएगा तो मेरा 5,000 वोट ले काट लेगा जो कि उधर जाने वाला था। उस रणनीति के तहत में भागलपुर में, क्योंकि पिछली बार सफलता उनको इसी बेस पे मिली थी शर्मा जी को, अजय शर्मा जी को, इस बार भी उसी को रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतगंडा सेम है, मुद्दा कुछ नया नहीं है। मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा कहीं कुछ नहीं है। मुद्दा विकास का रहेगा तो फिर यानी कि नगर निगम का विकास तो लोगों ने देखा ही है, सारे गली नाले का सबका विकास हो तो यानी कि आगे जुड़ाने बैठेगा तो सुबह हो जाएगी लोगों के जहन में। हो नेपाल की सैर भी है, अगर इतने ही पॉपुलर थे तो अविश्वास प्रस्ताव क्यों, 2.5 साल में अविश्वास प्रस्ताव क्यों, मतलब पार्षद भी आपके साथ नहीं जा पाते हैं जब तक आप उनके साथ नेपाल की सैर नहीं कर लेते हो। तो जानते हैं जब आप 50 लोग अपने साथ नहीं रख सकते हो तो ये तो 3.5-4 लाख मतदाता है यहाँ, वो थोड़े साथ रहेंगे बिल्कुल। अच्छा एक और सवाल है, LJP चिराग पासवान सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं चुनाव में, तो क्या लगता है चिराग पासवान का क्या मोटिव है इसके पीछे? और वो बताते हैं कि वो मोदी जी के समर्थन में हैं पर वो मोदी जी के कैंडिडेट के विरुद्ध अपने प्रत्याशियों को उतार रहे हैं मैदान में, तो क्या कहना है इस पर आपका? नहीं, ये है कि पार्टी का बेस बना रहे और दुर्भाग्य से रामविलास जी के देहांत हो चुका है तो पार्टी को खड़ा करने के लिए चिराग ने भी सोचा होगा कि मैं कैंडिडेट खड़ा करूं। आज तक लोजपा जो भी कर रही थी, चाहे 2 सीट लाए, 5 सीट लाए, कभी कभी 40 सीट भी लाई लोजपा, तो सारे चुनाव जो हुए वो रामविलास जी जब जीवित थे तब हुआ था। अब की स्थिति अलग है, चिराग को वो वर्ग स्वीकार करेगा, चिराग को जनता स्वीकार करेगी। और चिराग का जी उनके नेतृत्व में पार्टी अब कैसा करती है ये तो इसी चुनाव में पता चलेगा। हाँ, चुनाव में भी पता चलेगा कैसा वो डिसीजन लेते हैं, और लेकिन अपने बातों पे भी, वहां भी तो गड़बड़ हो गई, वो भी अपने बातों पे कायम नहीं रह पाए।
पहले बोला कि जदयू जहां जहां खड़ा होगा वहां मैं कैंडिडेट दूंगा, सूरज जो है वो पलटी मार के भागलपुर में कैंडिडेट दे देते हैं। अब किस आधार से देते हैं वो यही कि बी टीम का प्रेशर था या कुछ और था ये नहीं कहा जा सकता है, टिकट दे देते हैं। तो जब जनता में आप भरोसा तभी आप बनाते हैं जब अपनी बातों पे आप कायम रहते हैं, बातों पे कायम ही नहीं है। आप बोलते हैं कि जदयू के खिलाफ लड़ रहा हूँ, भागलपुर में क्या कर रहे हैं, भागलपुर में कांग्रेस को जिताने के लिए आप काम कर रहे हैं और दबी जुबान में प्रचार कर दीजिए, तो हो सकता है अगर आपका जो भी वोट होगा तो हो सकता है डायरेक्ट चला जाए वहाँ, सबसे बड़ी बात है, कर सकते हैं। और दबी जुबान में कहीं ना कहीं ये बात भी हो रही है कि चिराग जी जो टिकट बांट रहे हैं वो कहीं ना कहीं पैसे की के ऊपर बेस्ड है, टिकट जो है बेचा जा रहा है, ये भी दबी जुबान में कहीं कहीं बात चल रही है, हो रही है। ये देखिए मैं आरोप नहीं लगा सकता कि हमारे पास इसके कुछ सबूत नहीं है, लेकिन उनके पास अपने कैंडिडेट नहीं है। हर एक जगह क्या हुआ है कि जो जदयू से रुष्ट थे तो वो यानी कि सिंबल लेके चले गए, भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट थे चुनाव, जैसे मृणाल तो हार्ट को भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है जी। मैंने बताया ही उसका बैकग्राउंड, अब टिकट नहीं मिला तो एक है भाई लोजपा दे दो मेरे को टिकट, वही गोपालपुर में सुरेश जी शायद चुनाव लड़ रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से। तो ऐसे सब सारे लोग जो जब जिनके पास अपना कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, वो दूसरे पार्टी से इम्पोर्ट होता है, इम्पोर्ट इस बेस पे होता है कि उसको टिकट नहीं मिला इसलिए जो है तुम्हारे पास आया, अपने पार्टी से रुष्ट है वो। हाँ, पहले अपना बेसिक काम करना होगा राजनीतिक दल को, पहले उसको अपना कार्यकर्ता बनाना होता है, जब अपना कार्यकर्ता वो बना लेंगे तो चुनाव मैदान में आएंगे, उनके साथ उम्र भी है अभी। भाजपा उन प्रत्याशियों को उतार रही है जो शुरू से भाजपा से जुड़े हैं, जैसे रोहित पांडे जो भागलपुर के प्रत्याशी हैं वो शुरू से ही भाजपा के कार्यकर्ता रहे, जुड़े रहे, एबीवीपी से जुड़े रहे, पर चिराग पासवान की पार्टी में ऐसे कार्यकर्ता बहुत कम है जो अपने शुरुआती समय से राजनीतिक करियर की शुरुआत जिन्होंने चिराग पासवान के पार्टी से की हो और आज वो विधायक के कुर्सी पर हैं या फिर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ता बहुत कम है उनकी पार्टी में, तो एक्सपोर्ट करना कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी भी हो सकती है। हाँ तो वही है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट चुनाव में और डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देखना चाहिए, जमीन पे काम करना होता है, कार्यकर्ता बनाना होता है। आप अपना कार्यकर्ता चुनाव में उतारिए तब आपकी जो है एक क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। रामविलास पासवान जी एक सोशलिस्ट मूवमेंट से जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता थे, संघर्ष से नेता बने थे। बिल्कुल बिल्कुल, और पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने निचले वर्ग का नेतृत्व किया। नहीं नहीं वो है जेपी आंदोलन 1974 का जेपी आंदोलन हो और फिर 89 का मंडल कमीशन वाला हो, तो ये सारी चीजों में उन्होंने एक लीडिंग रोल प्ले किया था। पूरा भारत घूमे थे, पूरा बिहार घूमे थे, बिहार का बच्चा बच्चा जानता था, गरीब परिवार में वो पैदा हुए थे, पगडंडियों को जानते थे। तो चिराग जी को पहले मेहनत करना होगा, संघर्ष करना होगा, ऐसे सत्ता कैसे दे देगा कोई भी। तो यही एक शुरुआत, मैं तो इसको मानता हूँ कि चिराग जी ने शुरुआत की है, तो अभी गलतियां होंगी, बहुत तरह की गलतियां हो भी रही हैं। उनसे वही बोले ना कि कहीं जदयू के साथ हमको चुनाव नहीं लड़ना है, जदयू के खिलाफ दे दिया कैंडिडेट, भाजपा के सपोर्ट में रहूंगा, भागलपुर में भाजपा के खिलाफ दे दिया, तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता की कमी जो है होते जा रही थी, ये गलती इसको मानता हूँ मैं, एरर। तो ये ट्रायल एंड एरर है, वो ट्रायल फेज में है, वो कर रहे हैं, उनको भी पता चलेगा कि उनके माटी कहाँ है, उनको पता चलेगा। अभी जो भी अगर 2-4% वोट भी कहीं से आता है तो उनको ये चीज मानना होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी या जदयू से जो लोग आए हुए थे, कार्यकर्ता जो आए थे, उन लोगों का मेहनत था, उनका वोट है ये, उनका वोट बिल्कुल नहीं है कि चिराग जी के कारण जो है वोट मिले। जी जी जी, ये उनका, ये ना तो उनके कार्यकर्ता का वो वोट है, वो पहले से जिस पार्टी में थे वहां उन्होंने जो काम किया उसको लेकर उनको, उनका जो भी बीच में है उस चीज पर मतदाताओं ने मत दिया, ये है। अच्छा, एक और बिहार की राजनीति में एक खलबली मची जब एक नई और युवा लड़की यहाँ की राजनीति में आती है और अपने आप को
मुख्यमंत्री का दावेदार बताती है। प्लुरल्स पार्टी की अध्यक्षा पुष्पम प्रिया चौधरी का की बात कर रहा हूं मैं, उनका बिहार की राजनीति में क्या योगदान रहेगा इस बार और उनकी पार्टी क्या नया करेगी? उसका भी जवाब मैं दे चुका हूं। आज तक जो भी बिहार में खास करके आप देखिएगा 90 के बाद मुख्यमंत्री चाहे लालू जी बने हो, राबड़ी जी की बात मैं नहीं कर रहा हूं लेकिन लालू जी के परिवार, लालू जी को ही मान लीजिए उसको भी, या नीतीश जी बने, जो भी बने मुख्यमंत्री, ये लोग संघर्ष से आगे बढ़े, इन्होंने जनता के साथ संघर्ष के, जनता के साथ ये लोग जुड़े रहे, जनता के संघर्ष किया तो नेता बने। पुष्पम जी आने से पोस्टर उन्होंने लगा दिया कि मैं मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन आपने जनता के लिए क्या किया है वो तो भविष्य की योजना है। मैं भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं ऐसे यानी कि दर्जनों लॉलीपॉप चीजें बता दूंगा जनता को और एक पोस्टर लगा दूंगा कि भाई मैं आपके लिए ये चीजें करने वाला हूँ इसलिए मुझे वोट दीजिए। पहले जनता में क्या होता है कि अपने आप को तपाना होता है, तो चाहे वो चिराग जी हो चाहे पुष्पम कोई भी हो, इन लोगों को तपाना होगा, ठीक है ना। अभी तक चिराग जी जो भी चुनाव जीते हैं वो रामविलास जी के रहते चुनाव जीते हैं, अपना भी चुनाव, ठीक है। जब वो नहीं है उसके बाद क्या होगा वो देखना होगा। मोदी जी के साथ चुनाव में जीते हैं वो, मोदी जी के साथ से तो चुनाव जीते हैं, भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता है। तो अपने स्टैंड करने के लिए, जैसे अगर उन्होंने युवा मुद्दा बनाया है या कोई भी मुद्दा बनाया है, उसके लिए संघर्ष करना होगा। आपके संघर्ष से युवाओं को कुछ फायदा होगा तब तो। बिल्कुल, 74 के आंदोलन के जो नेता थे रामविलास जी हों या जो भी हो, तो उसका एक परिणाम निकला, एक तानाशाही का अंत हुआ, आपातकाल का अंत हुआ और सत्ता में परिवर्तन हुआ, सारे लोग जेल गए थे। इन लोगों ने भी क्या किया, अभी तो हवाई जहाज से मस्जिद में, मस्जिद से हवाई जहाज में, जनता के लिए क्या किया है? जब जिस दिन जनता के लिए करेंगे जनता खुद ब खुद खड़ी हो जाएगी। और रामविलास जी या नीतीश जी ये बहुत पुराने नेता हो गए और बहुत वरिष्ठ हो गए, इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बनाया और उस प्लेटफॉर्म पर अपनी गाड़ी चलाई, ना तो इनको बना बनाया हुआ प्लेटफॉर्म मिला और ना ही इन्होंने भगवान जैसा एक अवतार ले लिया कि आज के बाद मैं चुनाव लड़ूंगा और कल से मैं मुख्यमंत्री हूँ। इन्होंने ग्राउंड लेवल से काम किया और जब वक्त आई तब जनता ने इन पर भरोसा किया और इनको अपना मत दिया। पर अचानक से किसी राज्य की राजनीति में आ जाना और हर सीट से, बिहार में हर एक सीट से प्लुरल्स पार्टी के प्रत्याशी हैं, क्या लगता है आपको कितने सीट प्लुरल्स पार्टी के प्रत्याशी को मिले, प्लुरल्स पार्टी को मिले? जहां तक मेरी जानकारी है 1 भी सीट नहीं। पर उनका जो दावा है कि मैं बिहार की कायाकल्प कर दूंगी, मैं बिहार को परिवर्तित कर दूंगी, मुझे 15 साल नीतीश जी को, 15 साल लालू जी को बिहार की जनता ने दिया, मुझे 10 साल देके देख ले, मैं बिहार को शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में बहुत आगे कर दूंगी। तो ये एक दावा तो कोई भी कर सकता है ना, दावा तो मैं भी करूँ, मैं 10 महीने में बिहार को बदल दूंगा, इससे क्या मुझे वोट मिल जाएगा क्या? दावा और वादा ये डिफरेंट है, ये कोई भी कर सकता है। इतने बड़े पॉपुलेशन में कोई भी आदमी खड़ा होकर बोलेगा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन आपका व्यवहार क्या रहा है, आप जमीन से कितने जुड़े हैं, आपने क्या संघर्ष किया है चुनाव के समय में आ गए और मैं बोल दीजिएगा मैं युवाओं के लिए ये कर दूंगा, ऐसा थोड़े होता है। युवाओं के लिए क्या किया है? क्योंकि हर नेता या हर प्रत्याशी चुनाव के दौरान ऐसे ही बड़े बड़े मुद्दों पर वादे करते हैं और उनका बस एक यही थीम रहता है, एक यही उनकी मंशा रहती है कि जनता कुछ भी, जो जनता को पसंद है वो मैं बोलूं और जनता उस पर मत मुझे दे दे, कुछ भी चाहे उसे पूरा करना है या फिर उसको कागज पर ही रहने देना है, पर प्रत्याशी ये चाहते हैं कि मैं जो भी मुद्दा उठाऊं वो जनता को पसंद आए। तो इस हिसाब से उन्होंने भी अपनी ओर से बहुत कोशिश की और उनका भी मुद्दा, बिहार को जरूरत तो खैर बहुत चीजों की है तो मुद्दा बहुत सारे हैं, पर बिहार की राजनीति में प्लुरल्स पार्टी का योगदान कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है। अभी तो पार्टी को अपना सिंबल तक नहीं हुआ है, तो 5-10 साल जो है संघर्ष करना होगा, जनहित के मुद्दों पे बोलना होगा, संघर्ष करना होगा, जनता को राहत देनी होगी,
उसके बाद ये लोग आगे आ सकते हैं और अच्छा है, युवा अगर राजनीति में आ रहे हैं तो मैं इसको एक अच्छा साइन तो जरूर मानता हूँ, लेकिन ये तरीका जो है ये गलत है। और अब सपोज अगर एक भी सीट नहीं मिली तो फिर वापस लंदन अगर चले गए तो और भी बुरी स्थिति हो जाएगी। आप विधायक नहीं बने तो फिर जो है वो आपने दुकान के गल्ले पे बैठ गए तो वो और भी बुरी स्थिति हो गई आपकी, यही बात है ना। पर पार्टी की जो एक बहुत पॉजिटिव चीज है, जितने भी प्रत्याशी गुंडल पार्टी से हैं और जिन्होंने भी नॉमिनेशन करवाया, जो भी अभी उम्मीदवार है, वो सभी शिक्षित हैं और कोई भी एक उम्मीदवार दागी नहीं है, सभी अच्छे वेल नोन एजुकेटेड हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज है पार्टी के द्वारा किया गया और इस चीज की मैं भी सराहना करता हूँ और काफी युवा इस चीज से प्रेरित भी हैं। बहुत अच्छा आपने बोला कि प्रेरित होना और कुछ करना, टेस्टेड एंड प्रूवन चीजें होना बहुत जरूरी है। ये जो मॉडल था कुल मिला के आप वाला मॉडल था जो केजरीवाल जी ने किया था, लेकिन पुष्पम प्रिया जी हो या और कोई लोग इसको भूल गए कि केजरीवाल भी जो नेता बने वो संघर्ष से बने। लोकपाल के लिए उन्होंने आंदोलन किया, वो भी जेल गए, धरना दिया, धरना प्रदर्शन दिया, वो बिजली वाला हो रहा था तो लोगों के यहाँ बिजली जबरदस्ती जोड़ने चले गए, काम जनता के बीच में काम किया, वही टेस्टेड एंड प्रूवन। तो जब आप टेस्टेड एंड प्रूवन रहेंगे तभी आपको जनता सराहेगी। आ गई है डायरेक्टली, ठीक है, बिहार इस बहाने उन्होंने पूरा बिहार घूम लिया, अच्छी बात है। बिहार के विधानसभा क्षेत्रों में चली गई, देख लिया होगा कि कहाँ की सड़कें खराब है, क्या मुद्दा है, सारी चीजें देख लिया होगा, कहाँ गर्मी ज्यादा है, कहाँ ठंड ज्यादा है, कहाँ लोग अच्छे हैं, ये सारा चीज देख लिया होगा। फिर आगे वो अपना रणनीति बनाएंगे, लेकिन सीट्स नहीं आ रही है। बिहार की जनता अभी भी यूपीए वर्सेस एनडीए है, इससे ज्यादा यहाँ कोई लड़ाई मुझे नजर नहीं आती है। कौन अभी चाहिए? एक सवाल, जो बिहार की स्थिति, बिहार की आर्थिक स्थिति ठीक कर देगी या फिर तो यहाँ के युवाओं को बाहर माइग्रेट करने से रोक देगी। नीतीश जी ने कहा था कि मैं प्रवासी जो वापिस कोरोना काल में घर आ रहे हैं अपने, मैं उनके लिए बिहार में रोजगार की व्यवस्था करूंगा। और बिहार में जितने भी कारखाने 90s के दौरान चलते थे, चीनी फैक्ट्री थी गोपालगंज में बहुत सारी, फिर मॉडर्न चॉकलेट की फैक्ट्री थी, बहुत सारी फैक्ट्रियां थी जो 90 के दशक में ही बंद हो गई और नई किसी भी फैक्ट्री का यहाँ पर काम नहीं शुरू हुआ। अब इतने जो बेरोजगार, इतने जो लेबर मजदूर वापस बिहार आए और यदि उनको अपने राज्य में रोकना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगारी बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। ये आपकी बातों से मैं सहमत हूँ और यहाँ उद्योग जरूर लगना चाहिए, कोशिश भी की थी। शुरुआती जो दौर था नीतीश जी का, इन्होंने बहुत सारा MOU साइन हुआ था, अनफॉर्चुनेटली वो सब चीज टेक ऑफ नहीं हो पाया। हमारे गांव के बगल में ही है रमजानीपुर, वहाँ बीएडा ने एक बहुत बड़ा लैंड जो है घेर के रखा था, वहाँ इंडस्ट्री आने वाली भी थी, तो 4 सीमेंट फैक्ट्री ने वहाँ आके अपना कार्यालय तक खोल दिया, लेकिन ऐसा हुआ कि वो जमीन का अधिग्रहण सरकार ने तो कर लिया था लेकिन उसका पजेशन जो है न सरकार ले पाई ना वो उद्योगपति लोग ले पाए। यहाँ कहीं ना कहीं अगल बगल की जनता भी दोषी है, क्यों नहीं, जबकि बेड़ा ने उनको पैसा भी दिया था, सब कुछ दिया था, बिहार सरकार की जमीन थी, तो नहीं हो पाया, जनता का ऐसा दबाव रहा। और कोई भी विकास के लिए, उद्योग के लिए, धंधे के लिए एक चीज जानिए कि लैंड एक्विजिशन एक मुद्दा रहता है। लैंड एक्विजिशन बिहार में करना थोड़ा मुश्किल है और इसको जब तक सरल नहीं बनाया जाएगा, लोग जब तक नहीं जगेंगे, जैसे हमारे यहाँ NTPC कहलवा में NTPC तभी बना जबकि लोगों ने जमीन दिया, हंसी खुशी जमीन दिया, ठीक है, उसका जो भी मुआवजा मिलने का होगा मिला होगा, तो आज NTPC बना हुआ है। तो ये सारी समस्याएं धीरे धीरे जब लोग समझेंगे तो चीजों को ये लोगों के जमीन देने पर कहीं ना कहीं कारखाना निर्भर करती है। और बिहार को यदि तरक्की करना है, अपना एक पहचान कायम करना है, तो बेरोजगारी हटाना, औद्योगिकरण करना बिहार में ये बहुत जरूरी है। और यदि ये नहीं हो पाती है तो पर्यटन का विकास करना बिहार को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकता है। और पर्यटन बिहार में नाम मात्र है, आप देखते हैं भागलपुर में ही बहुत ऐसी चीज है या आसपास के क्षेत्रों में जहाँ की सैलानियों को लाया जा सकता है, सैलानी
यहाँ आना और घूमना देखना पसंद करेंगे। पर बिहार सरकार की उदासीनता पर्यटन को लेकर है और बिहार में सैलानियों का आना बहुत कम है, इस कारण से पर्यटन में कोई भी विकास या पर्यटन के क्षेत्र में कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा है। नहीं, कुछ बातों से तो मैं सहमत हूँ आपके, पर्यटन का स्कोप भी है और खास करके भागलपुर जैसे क्षेत्र में। एक तो डॉल्फिन हुआ, दूसरा इसको बुद्ध सर्किट से तो इमिडिएटली जोड़ना ही चाहिए, विक्रमशिला को लेके, और फिर आपका जैन मंदिर है, पर्यटन का स्कोप है, लोग आते भी हैं। जैन मंदिर तो सालाना, मैं मुंबई रहता हूं तो मुंबई में भी बहुत लोग बोलते हैं कि मैं आपके भागलपुर गया था, चंपानगर गया था, वो बताते हैं जाते हैं। ऐसा नहीं, पहले की तुलना में पर्यटक तो बढ़े ही बढ़े हैं, क्योंकि आप आपकी उम्र, मैंने वो दौर देखा है, 90 के दशक का दौर देखा है, पर्यटक तो दूर, यानी कि जो बिहार के ही लोग थे वो गांव नहीं जाना चाहते थे, 6 बजे शाम के बाद निकलना नहीं पसंद करते थे, ये दौर था उस समय, मानी अथवा नहीं मानी, ये सच है। लेकिन धीरे धीरे अब क्या है, पर्यटन का क्षेत्र हो या जो भी हो, लोग जाते हैं, हर एक साल जाते हैं। विक्रमशिला को डेवलप करने की जरूरत है, और भी जरूरत है, और नहीं कि कुछ नहीं हुआ तो, हाँ, 2-3 साल पहले अभी भारत के राष्ट्रपति वहाँ आए हुए थे, विक्रमशिला आए हुए थे। पर्यटक में भी तो मुझे याद है, एक बार जापान के प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए थे, फाइनेंस मिनिस्टर आए हुए थे, तो लोगों को धीरे धीरे जानकारी हो रही है, लोग आ रहे हैं। ये सब चीज में समय लगता है। सबसे बड़ी बात है आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना का जितना जल्दी विकास होगा उतना जल्दी जो है पर्यटन भी बढ़ेगा, लोग भी बढ़ेंगे, पलायन भी रुकेगा, और ये चीज होगा धीरे धीरे। देखिए, इस बार जितने भी स्टार प्रचारक या फिर प्रत्याशी अपने भाषणों में भागलपुर के सिल्क का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, मोदी जी भी आए थे, उन्होंने भी भागलपुरी सिल्क पर बात कर कहा, क्या लगता है आपको इस चुनाव में जो बुनकर के बुनकर लोग हैं या फिर बुनकर समिति से जुड़े इंसान हैं, उनका जो व्यवसाय है वो बंद पड़ गया है, और इस चुनाव में बुनकरों का किस तरफ झुकाव रहेगा? वो क्योंकि अपना उत्थान चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि भागलपुरी सिल्क का जो नाम है वो फिर से वापिस उसी तरीके से आए और चमके, पर उदासीनता है। बुनकरों के लिए काम नीतीश जी ने बहुत अच्छा किया है जी। और बुनकर से अगर पूछेंगे तो पिछली सरकारों ने उनके साथ क्या किया, इन्होंने क्या किया, ये बुनकर ही बताएंगे, ये हमारे आपके बोलने की बात नहीं। बुनकर बुनकर को अगर अच्छा लगा है नीतीश जी का काम तो जरूर मत देंगे, अगर अच्छा नहीं लगा है तो जाहिर सी बात है विरोध में रहेंगे। सिल्क, भागलपुरी सिल्क को बढ़ावा जरूर मिलना चाहिए, उसमें सिल्क नगरी कहलाती है ये, और इसके लिए जब प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात निकली है तो वो नहीं बोलते हैं, हवा में नहीं बोलते हैं, वो उनके दिमाग में जरूर कुछ बात होगी, ठीक है। तो ये तो एक आशा की किरण दिख रही। और एक बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागलपुर दौरा, उससे पहले जनता के मन में भाजपा को लेके या फिर विधानसभा चुनाव में मत देने को लेकर क्या सोच थी, और उनके दौरा के बाद जब उन्होंने भागलपुर का दौरा किया, यहाँ जनसंपर्क किया, इसके बाद जनता की सोच में क्या बदलाव हुई? आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का भागलपुर दौरा कितना? प्रधानमंत्री का आज तक जो मैंने देखा है, जहां जहां जाते हैं वोट का परसेंटेज तो बढ़ता ही बढ़ता है, और कुछ ऐसी बातें जरूर बोल देते हैं कि जो जनता को छू लेती है, जैसे आपने सिल्क नगरी की बात बोली, तो अब सिल्क इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो बुनकर हैं, व्यवसायी हैं, ठीक है, ट्रेडर हैं, जो भी हैं, अब उनके दिमाग में एक आशा की किरण रही कि प्रधानमंत्री के दिमाग में है, वो सोच रहे हैं कुछ हमारे लिए। तो प्राइम मिनिस्टर का किसी भी क्षेत्र में जाना, ये शायद पहले प्रधानमंत्री ऐसे हुए कि जहां ये चुनाव प्रचार में जाते हैं तो वोट परसेंटेज बढ़ता है पार्टी के लिए जी। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का भागलपुर दौरा रोहित पांडे के लिए भी फायदेमंद रहेगा। जरूर जरूर फायदेमंद रहा भी होगा। सारे लोग जो रहे हैं, मैं तो बता रहा हूँ कि आप लोगों को प्रचार दिखता नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कार्यकर्ता कैसे चुनाव लड़ते हैं, कार्यकर्ता कभी सोचा नहीं करते, लेकिन आप कोई भी घर ले लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि वहाँ रोहित पांडे का पंपलेट लिफलेट जो भी बट रहा होगा वो जरूर उसके घर में होगा। अच्छा। ये कार्यकर्ताओं का अपना स्टाइल है।
मतलब हवाबाजी कार्यकर्ताओं के प्रचार प्रसार की दखल कम होती है? बिल्कुल नहीं। और रोहित भी कहाँ जाते होंगे नहीं जाते होंगे, जरा आप लोग तो कवर करते होंगे, प्रशासन का कैमरा भी होगा, बहुत बड़ा तामझाम लेके चलते हुए नहीं देखते होंगे, क्योंकि वो कार्यकर्ता रहा वो जानता है, वो आपने एक दो दो चार साथी के साथ जाता होगा आता होगा, जो जहाँ बुलाता होगा वहां जाता होगा, लेकिन जाता होगा तो डोर टू डोर करता होगा। जी, जिस दौर में नॉमिनेशन करने अलग अलग प्रत्याशी अपने पैसे का वर्चस्व दिखाते हुए नॉमिनेशन करने पहुंचते हैं, करवाने पहुंचते हैं, सनरूफ खोल के गाड़ी के बाहर निकलकर फूल का माला चालू कर, ये जो दाव पेंच है और ये जो भौकाल है, ये रोहित पांडे के नॉमिनेशन के दौरान नहीं देखा गया। इनफैक्ट वो खाली पैर पैदल चलकर नॉमिनेशन करवाने आए थे, और मैं देखता हूँ चुनावी जनसंपर्क अभियान के दौरान भी जो भी प्रत्याशी आते जाते हैं कम से कम कुछ नहीं तो फोर व्हीलर वो मेंटेन करते हैं। बताया कि वो भोकाली वो देते हैं जो परिचय के मोहताज। बिल्कुल ठीक है, रोहित परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि वो कार्यकर्ता है, उसका परिचय ही यही है कि मैं कार्यकर्ता हूँ। ठीक है, बाद में वो उसका नाम आता है रोहित पांडे, उसकी पहली पहचान ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसको भोकाली देने की कोई जरूरत नहीं और देना भी नहीं चाहिए। और अजीत शर्मा जी, उनको भी वो भी परिचय के मोहताज नहीं है, आज के डेट में दो टर्म से लगातार वो विधायक हैं, अब जिसको नहीं देना है वो डांसर भी बुला सकता है, वो भीड़ जुटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो देश एक प्रत्याशी मेरे को याद नहीं है किस दिन था, वो कहलगांव से लोग आए थे नॉमिनेशन के लिए, क्योंकि कहलगांव मेरा घर है, प्रखंड है, आप जानते ही, तो नॉमिनेशन में आया था, 5-6 गाड़ी लेके आया था, अब समय पे खाना नहीं मिला या कुछ हुआ होगा, जब वो रास्ते से लौट रहा था बोला भैया भूख बहुत लगी है, पॉकेट में पैसा नहीं है, उस प्रत्याशी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बोले तुम आए क्यों थे, बोला बुलाया था मेरे को भौकाली के लिए, भौकाली के लिए तुम आया तो तुमको पैसा भी ले लेना था, खा भी लेना था, तो फिर जो है वो घोगा के पास जो है मैंने उसको नाश्ता कराया। तो भीड़ जुटा लेना, यहाँ से बुला लेना, वहां से लोगों को बुला लेना, इससे चुनाव नहीं जीता जाता। अच्छा, एक भागलपुर शहर के लिए सबसे अहम मुद्दा है, और ये सवाल नहीं पूछूंगा मैं आपसे तो जायज नहीं होगा, क्योंकि जब हम विस्तारीकरण की बात करते हैं, जब हम औद्योगिकरण की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि भागलपुर में भी कारखाना लगे, बिहार में भी कारखाना लगे, और ऐसे वक्त में हमारे शहर में जब हवाई अड्डा ना हो और हवाई सेवा ना हो, तो कहाँ तक ये बात सच साबित हो सकती है? हवाई सेवा में मेरा पूरा मानना है, जो भी चुनावी लॉलीपॉप दे रहे हैं, जो भी प्रत्याशी हैं या जो भी नेता अगर बोलते हैं कि भागलपुर का जो एग्जिस्टिंग अभी जो एयरपोर्ट है वो वहां से फ्लाइट उड़ेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि वहां से फ्लाइट उड़ पाएगी, क्योंकि अगल बगल का मैंने पूरा एरिया देखा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, घर बन गया है, जिसको तोड़ना संभव मुझे नजर नहीं आता है। हाँ, तो वही बात है कि जमीन अगर मिलती है तो भागलपुर को जरूर एयरपोर्ट होना चाहिए, और जमीन के एक्विजिशन के लिए सरकार जरूर विचार कर रही है, करेगी, मुझे नहीं लगता है कि हवाई जहाज उड़ पाएगा। तो फिलहाल भागलपुर की जनता को उस स्थान पर से हवाई जहाज उड़ने का जो मन बना बैठी है ये भूल जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर हवाई जहाज का परिचालन संभव नहीं है। टेक्निकली अगर बोलूं, तकनीकी तौर पे वहां से संभव नजर नहीं आता है, वहां छोटे छोटे फ्लाइट उतर सकते हैं, चार्टर्ड फ्लाइट होता है, हेलीकॉप्टर है, ये सब चीज उतर सकता है, कॉमर्शियल फ्लाइट वहां उतरना थोड़ा मुझे संभव नहीं लगता, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एयरपोर्ट देखे हैं, और जो भागलपुर के एयरपोर्ट के अगल बगल की स्थिति है, जो इनक्रोचमेंट कह लीजिए या लोगों ने मकान बना दिया, जो भी बना दिया, तो थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल लग रहा है वहां से। विकास कहीं ना कहीं इस कारण से थम नहीं जाएगा यदि हवाई जहाज का परिचालन किसी शहर में नहीं होती है, तो मैंने देखा है कि उस शहर में उस हिसाब का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं वो समय व्यर्थ नहीं करना चाहते ट्रेवलिंग में। अब अगर यदि कोई ट्रेन से आता है पटना से 7 घंटे की उसकी जर्नी, वो तो भागलपुर के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए जरूर देख रहे होंगे, अगर बिहार सरकार की जमीन पड़ी होगी तो वहां जरूर बनाएंगे, बनाना भी चाहिए, वो सरकार की सोच जरूर होगी, मुझे पता नहीं है। फिलहाल के लिए तो ये नवंबर दिसंबर से मेरे को लगता है कि देवघर से कॉमर्शियल फ्लाइट
स्टार्ट हो जाएगी तो देवघर से थोड़ी राहत भागलपुर को भी मिलेगी ही मिलेगी, दूरी नहीं है, 2 घंटे की दूरी है, तो 1.5-2 घंटे में लोग आसानी से आ सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो और हर एक जगह ऐसा होता है, थोड़ा ज्यादा दूर हो गया 2 घंटा मैं बोल रहा हूँ, आप अगर बेंगलोर गए होंगे कभी तो बेंगलोर से, बेंगलोर एयरपोर्ट से बेंगलोर सिटी की जो दूरी है वो 45-50 किलोमीटर। बिल्कुल। तो भागलपुर से देवघर की क्या दूरी है, यही यानी 50 किलोमीटर और ज्यादा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिलहाल काम चल जाएगा लेकिन भागलपुर को एयरपोर्ट जरूर होना चाहिए अंग प्रदेश में, क्योंकि वो एक गेट माना जाता है यानी कि पूर्वी भारत के लिए, तो वहां होना जरूरी है। सीमांचल वगैरह भी लोग जाएंगे पूर्णिया जाने के लिए, तो वो फ्लाइट होना बहुत जरूरी है। देवघर हवाई अड्डा निशिकांत दुबे की देन है और बहुत बड़ी विरासत है देवघर को हवाई अड्डा मिलना, और वो भी इतने कम समय में। कोई भी चीज, इस चीज को गलतफहमी दिमाग से निकाल लीजिए कि किसी व्यक्ति विशेष की वो देन है, देन मतलब सरकार की मोदी जी का दिया हुआ है, ठीक है ना, मोदी सरकार का वो देन है। उसके पहले ही, क्योंकि कांग्रेस सरकार से ही वो उसका सारा कुछ हो रहा था, प्रोसेस में था, मोदी सरकार में उसका अप्रूवल मिला, टेंडर हुआ और आज लगभग बन के तैयार है, बनेगा भी। काम निर्माण काल में जहाँ जहाँ से जो जो अप्रूवल लेने का था, इस व्यक्ति ने बहुत मेहनत की है, इसमें कोई डाउट नहीं, अच्छा किया और इतने कम समय में वहाँ एयरपोर्ट बन रहा है। वही, इतने कम समय में एयरपोर्ट का निर्माण होना, बिल्कुल पहल बहुत मजबूत रही होगी तभी जाकर इतने कम समय में निर्माण हो सका। मोदी सरकार में फाइल जल्दी अटकती नहीं है और जो जनहित के काम होते हैं तो उसको कोई अटकाता भी नहीं, हो जाता है। फिलहाल जितने भी नेता अपने चुनावी भाषण में भागलपुर में हवाई अड्डा की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं जनता को लॉलीपॉप थमा रहे हैं। जरूर, जो हवाई जहाज उस एयरपोर्ट से जो वर्तमान में स्थित है वहां से उड़ाने की बात करते हैं तो वो लॉलीपॉप है। अगर एक आध बार उड़ा भी लिया तो वो जो टेक्निकल टीम होती है एटीसी की, जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो टीम होती है, वो कभी इजाजत नहीं देगी कि वहां से कमर्शियल फ्लाइट उड़े। और आपको पता ही होगा ये पटना एयरपोर्ट पे भी ऐसी जो टेक्निकल फाइंडिंग आती है बड़ा निगेटिव आती है, पटना एयरपोर्ट को भी विस्तारीकरण के लिए हमेशा लिखा जाता है, क्योंकि अगल बगल वहाँ ऐसा है लैंडिंग और टेकऑफ में दिक्कत आती है, तो रिस्क नहीं लिया जा सकता ना। और जब बने तो अगर बिहार सरकार के पास जमीन अवेलेबल है या वहाँ की जनता तैयार हो जाए, जमीन उतनी मिल जाए, एयरपोर्ट तो बनना ही चाहिए भागलपुर को। एक अब सबसे अहम क्वेश्चन और ये एक पारी की तरह होगी, आप एक शब्द में जवाब देंगे, कहलगांव का विधायक कौन होगा, नया विधायक? पवन यादव। सुल्तानगंज का नया विधायक? ललित मंडल। मुंगेर? मुंगेर पता नहीं। और अमरपुर? वहां भी मैं पता नहीं सकता, वहां लोगों से बात नहीं किया मैंने। भागलपुर का नया विधायक कौन होगा? भागलपुर रोहित पांडे। आपका विश्लेषण हमेशा सही रहा है और आप जिस हिसाब से राजनीति को देखते हैं, मुझे यकीन है कि आपने बहुत गहन इस पर रिसर्च किया होगा। आप जब इस जगह पर पहुंचे हैं कि आप बता रहे हैं कि ये प्रत्याशी जीतेंगे, ये मैंने कोई रिसर्च नहीं किया। हाँ, लोगों का फोन आता है, वहाँ जो भी है लोग जुड़े हैं, दिल से जुड़े हैं, जो बताते हैं दिल की बात बताते हैं, उसके आधार पर मैं कहता हूँ ये चीज। जनता आपसे, आप भले मुंबई में रह रहे हैं पर भागलपुर की जनता मैं देखता हूं, मैं पत्रकार हूं और मैं घूमते रहता हूं, तो मुझे ये पता है कि भागलपुर की जनता आपसे जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं हर एक कार्यकर्ता जो भी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी दल से हो वो आपको जान रहा है और वो भरोसा करता है इस बात पर कि आपका राजनीतिक विश्लेषण बहुत ही सटीक और बहुत ही बेहतरीन होता है। बिहार का मुख्यमंत्री राजनीतिक कार्यकर्ता वो लोग बाद में है, पहले हमारे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, लोगों से निजी संबंध है, कोई हमारे साथ पढ़ा है, कोई हमारे साथ स्कूल गया है, ठीक है ना, कोई हमारे सुख दुख में साथ खड़ा रहा है, कभी मैं खड़ा रहा हूँ, तो हमारे वो निजी रिश्ते हैं। और मेरा वहाँ किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं, मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य भी नहीं हूँ। लेकिन अब वही लोग, कोई कुछ दोस्त है हमारे, अगर उसने राजद ज्वाइन कर लिया तो वो राजद का कार्यकर्ता बाद में है, पहले हमारे व्यक्तिगत संबंध है उससे। बिल्कुल यही बात।
और मैं उस व्यक्ति को इसलिए नहीं जानता हूँ कि वो राजद का कार्यकर्ता है, मैं इसलिए जानता हूँ। वो व्यक्तिगत आपकी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं पसंद होती है यहाँ के, और आप भले राजनीति में नहीं है पर मेरा ये मानना है कि यदि आप राजनीति में आएंगे तो आप जरूर जहां पर भी राजनीति में जिस भी जगह से आप चुनाव लड़ेंगे या फिर कभी भी आप राजनीति में कदम रखते हैं तो जनता को आप पर पूरा भरोसा है और आपको पूरा समर्थन भी मिलेगा। बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? बिहार के मुख्यमंत्री सबसे आसान सवाल है और सबसे कठिन भी, नीतीश कुमार ही होंगे। पुनः ठीक है, नमस्कार। चलिए संतोष जी, आपसे बात करके मुझे राजनीतिक भगल का पता चला और मैं अब इस स्तर पर पहुंच गया हूं कि भागलपुर में कैसी राजनीति चल रही है और आसपास के जिलों में क्या चल रहा है, प्रत्याशियों के मन में क्या है, जनता क्या सोचकर वोट कर रही है और कौन से मुद्दे अब अभी ट्रेंडिंग में है। फिलहाल आपसे आप सिल टीवी में हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए। और चूंकि राजनीति में आपकी इतनी अच्छी पकड़ है, आपका विश्लेषण बहुत अच्छा है, आप गोड्डा विधानसभा में, गोड्डा लोकसभा के चुनाव में आपने इन बातों को साबित किया है, तो मैं चाहूंगा कि आप कभी राजनीति में आए और आप भी समाज में, आप हमेशा भलाई करते रहते हैं, समाज सेवा करते रहते हैं, तो समाज के लिए और अच्छे तरीके से बड़े पैमाने पर कुछ अच्छा नया करें। हमारे तरफ से आपको जरूर करूंगा कुछ, लेकिन राजनीति में नहीं आऊंगा। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं यदि आपके पॉलिटिकल करियर के लिए, यदि आप कभी आते हैं तो, और धन्यवाद।